बिग बॉस 14 कंटेस्टेंट फीस पर वीक जैस्मीन से लेकर एजाज तक हर हफ्ते कितनी कमाई कर रहे हैं कंटेस्टेंट, चलिए आपको बताते हैं। इस बार का बिग बॉस का सीजन अपने अलग फॉर्मेट के कारण चर्चा बटोर रहा है। मेकर्स भी पिछले सीजन की तरह बिग बॉस 14 को हिट बनाने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। इस बार टीवी इंडस्ट्री के कई पॉपुलर चेहरे बिग बॉस का हिस्सा है, जिसमें जैस्मीन भसीन, एजाज खान, पवित्रा पुनिया, रूबीना दिलायक, अभिनव शुक्ला, निशांत सिंह मलखानी और राहुल वैद्य जैसे सेलेब्स शामिल हैं। नंबर एक, राहुल वैद्य। राहुल वैद्य को एक हफ्ते के 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। अगर वो 3 महीने तक बिग बॉस के घर में टिकते हैं तो इस हिसाब से वो 12 लाख रुपए कमा सकते हैं। नंबर दो, पवित्रा पुनिया। पवित्रा पुनिया को एक हफ्ते के 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। पवित्रा पुनिया फिलहाल रेड जोन में है, ऐसे में वो बिग बॉस के घर में कितने दिन टिकी रहेंगी इस बारे में फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। नंबर तीन, निक्की तंबोली। साउथ की फिल्म स्टार निक्की तंबोली को बिग बॉस में रहने के लिए एक हफ्ते के 1,20,000 रुपए मिल रहे हैं। निक्की को इस सीजन की स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट में से एक देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि वो लंबा गेम खेल सकती है। नंबर चार, एजाज खान। एजाज खान की सैलरी काफ़ी शॉकिंग है। द खबरी के मुताबिक एजाज को एक हफ्ते के 80,000 रुपये मिल रहे हैं। एजाज टीवी इंडस्ट्री में एक दशक से पुराने हैं और एक वक्त पर टीवी के पॉपुलर चेहरा भी रह चुके हैं। नंबर पाँच, निशांत मलखानी। वही निशांत मलखानी जो कि चंद साल पुराने टीवी एक्टर हैं, उन्हें बिग बॉस में रुकने के लिए एक हफ्ते के 2 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। नंबर छः, जैस्मीन भसीन। जैस्मीन भसीन टीवी का पॉपुलर चेहरा है, उन्हें हर हफ्ते के 3 लाख रुपये मिल रहे हैं। नंबर सात, रूबीना दिलायक। रूबीना दिलायक टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस है। रूबीना दिलायक को सबसे ज्यादा 5 लाख रुपए पर हफ्ते मिल रहे हैं। नंबर आठ, अभिनव शुक्ला। अभिनव शुक्ला भी टीवी के एक जाने माने एक्टर हैं और रूबीना दिलायक के पति है, उन्हें पर हफ्ते 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।